तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है स्प्लेंडर प्रो। तो ये ले रही थी सेल्फ मिसिंग। जब बाइक करती है तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है, उसको पहले चेक कर लेते हैं। सुन पा रहे होंगे दोस्तों आप, सेल्फ बिल्कुल फ्री जा रही है। जो ये बन बे है इसकी गोली ख़राब हो जाती है, पहले देखते हैं इसके अंदर बन बे पूरा डालना है या इसके रोलर डालने हैं ओनली। तो पहले इसको देख रहे हैं आप, 8 नंबर के 4 बोल्ट होते हैं इसके मैग्नेट कवर के, इसको खोल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं इसका साइड पैनल। तो ये साइड पैनल कुछ इस तरह से निकल जाता है। उसके बाद में अपने मैग्नेट कवर के हम 4 वोल्ट 8 के बॉक्स पाने की मदद से खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप आराम से इस तरह से आप भी अपने 4 वोल्ट मैग्नेट कवर के खोल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर बने हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम नई वीडियो अपनी जब भी डालें सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके फायदा उठाएं। तो कुछ इस तरह से इसको निकाल लेते हैं हम जल्दी से। उसके बाद में एक न्यूट्रल जो है हमारे मीटर में आता है, एंड का जो बल्ब होता है ग्रीन लाइट, वो जलती है, इसको तार होता है, यहाँ पे भी इसको भी हटा लेते हैं। और इसका मैग्नेट कवर हम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों निकल गया हमारा मैग्नेट कवर और ये आ गया हमारा सामने मैग्नेट। तो इसको मैग्नेट के पुलर से खोलते हैं हम। तो इसको खोल लेते हैं। तो पहले लगा लेते हैं हम इसकी मैग्नेट पत्ती, इस तरह से इसको लगा लेते हैं। तो इसको पहले जो पत्ती होती है अपनी यहाँ पे इसको पेचकस डाल करके टाइट कर लिया है हमने। उसके बाद में 14 नंबर का बोल्ट आता मैग्नेट में, इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये 14 की गोटी की मदद से और टामी की मदद से इस बोल्ट को खोल लेते हैं आराम से। ये खुल गया हमारा बोल्ट और निकाल लिया हमने इसकी वाशल भी। उसके बाद में जो पुलर होता है मैग्नेट निकालने के, पुलर जो इस पर लगता है ग्लेमर का, सुपर का, सभी बाइकों में ये लग जाता है। जैसे सुपर हुई अपनी या स्प्लेंडर प्रो हुई या डिलेक्स हुई या ग्लेमर हुई या सुपर, ये इन बाइकों में लग जाता है। तो इसको लगा करके और जो ये होता है पत्ती, इसको टाइट कर ले कुछ इस तरह से और इसकी मदद से हमारा मैग्नेट जो होगा वह बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह से चोट मार लेते हैं और ये आ गया हमारा मैग्नेट बाहर। तो ये पत्ती भी खोल लेते हैं और पुलर भी निकाल लेते हैं और अपना मैग्नेट कर लेते हैं हम बाहर। तो इसको मैग्नेट पुलर निकाल लिया हमने और पत्ती भी निकाल लेते हैं इसकी। उसके बाद में देखते हैं। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं सेल्फ जो बन बे होता है उसकी गलारी देख लेते हैं, इसमें खड्डे तो नहीं है। तो ये हमारी ठीक है, अभी चल जाएगी, इतने गड्ढे नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद में हम देखते हैं इसके जो सेल्फ बन बे के रोलर होते हैं उसको चेक करते हैं। तो इसके देख लेते हैं रोलर अपनी जगह बिल्कुल, उसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या फिर पूरा हमें सेल्फ बन पे डालना है। तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है बारीक वाला छोटा, उसकी मदद से इनको निकाल लेते हैं हम। छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर की मदद से कुछ इस तरह से इसको निकाल लेते हैं हम सारे। तो ये आ गया हमारा रोलर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी कट गया है रोलर, इसकी वजह से तो हमारी सेल्फ बनने की प्रॉब्लम थी, वो जो सेल्फ मिसिंग कर रही थी, सिर्फ ये रोलर खराब हो गया इसके, ये भी खराब हो गया है। इसका दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी कट गया, काफ़ी खड्डे हो गए इसके अंदर, तो ये भी ख़राब हो गया। उसके बाद में हम तीसरा देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके तीनों रोलर हो चुके हैं बिल्कुल ख़राब और ये हमने सारे इसके स्प्रिंग और ये सारी इसकी बोगली हमने निकाली है। उसके बाद में अच्छे से इसकी सफाई कर दें और आपको सिर्फ इसके अंदर सेल्फ जो रोलर होते हैं, ये सेल्फ रोलर इसको डालते हैं और अपना सेल्फ चेक करते हैं अच्छे से वर्क करता है या नहीं। तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं और अच्छे से सफाई कर लें, उसके बाद में आपको डाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों इसकी हमने कर ली अच्छे से सफाई और इसके रूलर डालते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हैं ओन टैक्स कंपनी के रूलर हैं, सिर्फ 58 रुपए के। इसको इसके अंदर डालते हैं ताकि हम ये पूरा वन वे स्विच नहीं डालेंगे, काफ़ी महंगा है ये, 575 रुपए का वन वे स्विच है, ओरिजिनल वन वे है ये, तो इसको नहीं डालेंगे। खाली हम ये ओन टैक्स कंपनी के ये सेल्फ वन वे रूलर डालेंगे खाली और देखेंगे अपना सेल्फ अच्छे से बात करता है या नहीं। तो इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने रूलर पैकेट पूरा खोल लिया है। तो इसमें ये निकलते हैं 4 एलंकी के 3 बोल्ट होते हैं, ये 5 नंबर की एलंकी के 3 बोल्ट होते हैं। उसके बाद में ये 3 स्प्रिंग आते हैं और 3 ये रोलर आते हैं और ये स्प्रिंग घोगली आती है। तो ये जो एलंकी वाले बोल्ट हैं इसके अंदर हम ये नहीं लगाए हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से ही लगे हुए हैं। तो हम ये स्प्रिंग डालेंगे, रोलर डालेंगे और ये घोगली डालेंगे और आपको दिखाते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर पहले लगा लेते हैं कुछ इस तरह से हम घोगली। उसके बाद में जो ये हमारा मैग्नेट होता है इसके अंदर, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, होल होता है इसके अंदर, जो हमारा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसके अंदर जाएगा। तो इसको हम लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसको लगा लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये लग गया है ये, और ये बहुत कुछ भी अंदर चला गया। उसके बाद में एक हम रोलर लेते हैं और अपने हाथ की मदद से इसके अंदर बिठा लेते हैं कुछ इस तरह। दोस्तों ये हाथ की मदद से हमने रोलर पूरा बिठा लिया है इसके अंदर, आप ये देख पा रहे हैं पूरा बैठ गया। उसके बाद में हम इसका दूसरा रोलर लगाते हैं, पहले स्प्रिंग ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ इस तरह से इसकी भोगली लगा लेते हैं इसके अंदर ऐसे। उसके बाद में फिर उसी तरह से होल में इसका रोलर लगाते हैं इस तरह से इसको, और बारीक वाला जो अपना स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी मदद से कुछ इस तरह से उसके अंदर होल के अंदर फंसा लें, और जो अपना रोलर है इस तरह से, और इस रोलर को भी कुछ इस तरह से
इसके अंदर बिठा लेते हैं, ये बैठ गया। उसके बाद में हम स्क्रू अपना स्क्रू ड्राइवर निकालते हैं, ये बैठ गया अच्छे से काम करने लगा। उसके बाद में हम तीसरा स्प्रिंग लगाएंगे और भोगली लगाएंगे इसकी, कुछ इस तरह से लगा लें, इसको भी ऐसे लगा लेते हैं। उसके बाद में तीसरा जो होल है सेल्फ बन देगा, उसके अंदर इसको डाल लेते हैं और अपनी पेचकस की मदद से इसको पहले इस तरह से अंदर कर लें। उसके बाद में अपनी छोटी भोगली लगा लेते हैं तीसरी तरह से। तो दोस्तों ये भी लग चुकी है। तो दोस्तों जो अपना सेल्फ बल्ब है इसको पूरा ना डालें, अगर आपकी बाइक में कुछ इस तरह से आ रही है तो अपने मैकेनिक को बोले कि भाई सेल्फ बल्ब में पूरा नहीं डाल, और ये आप अपने सेल्फ बल्ब में ये गोलियां डाला लें, रोलर डाला लें, और अपना सेल्फ जो होगा अच्छे से बल्ब करने लगेगा। तो चलते हैं और इसको मैग्नेट में लगाते हैं और उसके बाद में देखते हैं हमारा जो सेल्फ है अच्छे से बल्ब करता है या नहीं, या कोई दिक्कत आती है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। और इसको चलते हैं और मैग्नेट में लगाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी स्प्लेंडर प्रो में लगा लेते हैं इसका मैग्नेट और पूरा कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते हैं जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ तक का हमने स्प्लेंडर प्रो का अपना मैग्नेट भी लगा लिया और उसका मैग्नेट कवर भी कर लिया कंप्लीट। उसके बाद में गाड़ी में सेल्फ मारते हैं, उसके बाद में देखते हैं। पहले सेल्फ में हमारी हो गई है गाड़ी स्टार्ट, एक बार बाइक को बंद करते हैं उसके बाद दोबारा सेल्फ लेते हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों पहले ही सेल्फ में हमारी स्प्लेंडर प्रो हो रही है स्टार्ट। तो आप भी इस तरह से अगर आपकी बाइक में कुछ इस तरह से सेल्फ प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिर्फ अपनी बाइक में पूरा बन सेल्फ बन नहीं डलाएं, क्योंकि सेल्फ बन बहुत महंगा है। समथिंग जो सेल्फ बन अपना 500 प्लस में है, शायद 570 या 75 रुपए की है ओरिजिनल जो है हीरो का। उसके बाद में जो आप उसको ना डला करके ओनली 50 रुपए की ये सेल्फ रूलर डलवाते हैं ओम टायर्स कंपनी के, अच्छे कंपनी के आते हैं दोस्तों इस तरह से, और आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर में ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फुल वॉचिंग।